हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 3 BHK स्पेशियस अपार्टमेंट थाने में, हीरा नंदानी एस्टेट के पास में। ये जो टावर है ये 39 स्टोरी का टावर है, अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है, बट नियरिंग पोजीशन टावर है। इसका जो सॉफ्ट पोजीशन है वो शुरू हो जाएगा जून 2024 से, और OC के साथ इसका पोजीशन आपको एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2024 तक। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स है जिसमें 2 3 BHK है और 4 2 BHK है, और जो प्रोजेक्ट है, जो बिल्डिंग है, उसके नीचे आपको हाई एंड शॉपिंग भी आएगा। हीरा नंदानी एस्टेट को एकदम लग के है, तो ऑलमोस्ट आप हीरा नंदानी एस्टेट के अंदर ही हो। हीरा नंदानी का गार्डन, हीरा नंदानी स्कूल, ये सारे इस पर्टिकुलर लोकेशन से वॉकेबल डिस्टेंस पे है। इसका जो प्राइसिंग है वो है 1.75 करोड़ प्लस टैक्सेस। तो इसमें ये जो अभी प्राइस मैंने बताया ये सिर्फ एग्रीमेंट वैल्यू है, इसके ऊपर टैक्सेस ऐड होंगे। और इस पर्टिकुलर फ्लैट की USP ये है कि इसमें जो हाइट दी गई है वो 10.5 का फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। लॉबी काफी बड़ी है और आपके एग्जैक्टली सामने, डोर के सामने कोई फ्लैट नहीं आता है, तो काफी USPs है। 39 फ्लोर्स का टावर है, नीचे शॉपिंग अलग है। तो ये फ्लैट देखिए, अभी मैं आपको लोकेशन पे लेके जाऊंगा, बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक एक्चुअल फ्लैट का वीडियो दिखाऊंगा। सैंपल फ्लैट नहीं है, एक्चुअल वीडियो है, तो जो आप देख रहे हो वही आपको मिलने वाला है। और इसका जो प्राइसिंग, जैसे मैंने बताया, 1.75 करोड़ का एग्रीमेंट वैल्यू है, वो भी नेगोशिएबल प्राइस है। तो आप वीडियो देखिए, पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर विजिट करना है, कोई भी इंक्वायरी है, तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप चाहते हो कि मैं वो प्रोजेक्ट कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो गाइज ये है अपना टावर। टावर के नीचे आप देख सकते हो काफी सारे शॉप्स है। जैसे ही ये रेडी हो जाता है, जो भी आपके बेसिक नेसेसिटीज है डेली लाइफ के, वो सारे आपको बिल्डिंग के नीचे ही मिल जाएंगे। आप देख सकते हो बिल्डिंग का जो काम है वो भी 85% के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। पोजीशन इसका सॉफ्ट पोजीशन मिल जाएगा आपको जून 2024। राइट साइड में पूरा है हीरा नंदानी एस्टेट। ये है इसका लिविंग एरिया। तो अभी हमने एंटर किया है लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया का जो साइज है वो आपको आएगा अप्रॉक्सीमेटली 228 स्क्वायर फीट। सो 228 स्क्वायर फीट का आपका लिविंग एरिया। उसके साथ ही आता है एक डेक। डेक का जो साइज है, जो लिविंग एरिया के साथ अटैच्ड है, उसका जो कारपेट है वो आएगा आपको 41 स्क्वायर फीट के आसपास। 41 स्क्वायर फीट से थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। ये है इसका प्रॉपर एक डेक, जहाँ पे आप टेबल चेयर लगा के आप ये इवनिंग टी एंजॉय कर सकते हो। तो ये स्टैंडिंग बालकनी नहीं है, ये एक प्रॉपर आपको डेक दिया गया है। और ये है इसका लिविंग एरिया, 228 स्क्वायर फीट का काफ़ी बड़ा लिविंग स्पेस है। यहाँ पे आप एक सेपरेट कंप्लीट डाइनिंग, सिटिंग, सारा कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। अभी हम हॉल के राइट साइड में चल रहे हैं। ये है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा वॉशरूम दिया गया है, छोटा वॉशरूम नहीं है, और सारे ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलने वाले हैं। ये है आपका फर्स्ट कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम का जो साइज आएगा वो आएगा 110 स्क्वायर फीट, प्लस आपको कैविटी स्पेस मिल रहा है आपके कबर्ड के लिए, और इसी के साथ आपको मिलेगा एक पॉकेट बालकनी। आप देख सकते हो छोटा सा आपको एक डेक मिल रहा है यहाँ से। डेक भले ही छोटा है, लेकिन आप अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे खड़े रह के। बड़ा डेक आपको मिलेगा लिविंग एरिया के साथ में, और छोटा डेक आपको मिलेगा कॉमन बेडरूम के साथ में। तो ये हो गया आपका कॉमन बेडरूम, जिसका साइज है 110 स्क्वायर फीट का। अब हम चलते हैं सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम हम चेक करते हैं। हॉल के राइट साइड में आ रहा है एक मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम अगर आप देखोगे तो सामने आपको पैसेज आ जाता है, इससे आपको प्राइवेसी मिलती है, कोई भी आपके बेडरूम में डायरेक्टली नहीं झांक सकता। पैसेज के बाजू में ही आपका एक काफ़ी बड़ा कैविटी स्पेस मिलता है आपको वार्डरोब के लिए। तो यहाँ पे आप अपना 4-door वार्डरोब इजीली सेट कर सकते हो। और ये जो मास्टर बेडरूम है, इसका साइज, ये सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है, इसका साइज 144 स्क्वायर फीट का आएगा आपको अप्रॉक्सीमेट। और इस बेडरूम के बाहर भी आपको मिलने वाला है एक स्टैंडिंग बालकनी। तो आपको हर एक
बेडरूम के बाहर आपको एक बालकनी मिल रही है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्टैंडिंग बालकनी मिल रही है, यहाँ पे आप खड़े रह के अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ आएगा आपको एक अटैच्ड वॉशरूम। तो ये जो वॉशरूम है जो मास्टर बेडरूम के साथ है, इसका भी साइज काफी अच्छा है। तो यहाँ पे साइज में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। लिविंग एरिया जैसे मैंने बताया आपको 228 स्क्वायर फीट का, वो भी काफी अच्छा लिविंग स्पेस है। 39 स्टोरी का टावर है, काफी काम कंप्लीट हो चुका है। पोजीशन, सॉफ्ट पोजीशन, जो फर्नीचर पोजीशन या इंटीरियर के लिए पोजीशन जिसको कहा जाता है, वो आपको मिल जाएगा जून 2024 में। अभी मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाऊंगा किचन और जो एक रिमेनिंग मास्टर बेडरूम, सेकेंड मास्टर बेडरूम है, उसका भी हम एक टूर ले लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड में किचन, अगर आप किचन देखोगे तो किचन का साइज है 80 स्क्वायर फीट से थोड़ा ज्यादा है। और अगर आप वास्तु कंसिडर करते हो तो नॉर्मली आज के कंस्ट्रक्शन में किचन के सामने ही आपको वॉशरूम दिया होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है। किचन के सामने कोई वॉशरूम नहीं आता है, किचन के बाहर आपको एक यूटिलिटी स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो, कपड़े वगैरह सुखा सकते हो, और काफी बड़ा स्पेस आपको किचन में मिलता है फ्रिज के लिए, तो वहाँ पे आप अपना डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हो, उतना बड़ा स्पेस आपको दिया गया है। और ये है आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम। ये बेडरूम का साइज है 93-94 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा टोटल, और प्लस आपको इसमें पैसेज आएगा लगभग 21 स्क्वायर फीट का। तो ये है आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम, इसके बाहर भी आपको मिलता है स्टैंडिंग बैल्कनी। ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो कारपेट है 1026 का कारपेट आएगा, और इसका जो प्राइसिंग है 1,75,00,000 प्लस टैक्सेस। तो हर एक बेडरूम में आपको कबर्ड के लिए स्पेस दिया गया है, तो आपका इंटरनल कारपेट वेस्ट नहीं होने वाला है। इसका यूएसपी है, इसका हाइट फ्लोर टू सीलिंग हाइट 10.5 फीट का है, तो काफ़ी अच्छा फील आता है आपको, और काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट है। तो इस पर्टिकुलर फ्लैट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।